हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाने जा रही हूँ। इसके लिए हमें पिज़्ज़ा बेस चाहिए, जिसके हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे और फिर मोज़रेला चीज़ स्प्रेड करेंगे इस कुछ इस तरीके से पूरे में। इसके बाद में हम अनियन क्यूब्स चॉप करके लगाएंगे इस तरीके से। हम क्यूब्स में अनियन को काटेंगे और उसको स्प्रेड करेंगे। टमेटो क्यूब्स को काट के स्प्रेड करेंगे इस तरीके से, इवनली स्प्रेड करना है पूरे में। पनीर क्यूब्स को स्प्रेड करेंगे तरीके से, और आप कोई भी टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं आपके बच्चे के टेस्ट के हिसाब से। और फिर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ और ऐड करेंगे, क्योंकि बच्चों को चीज़ बहुत पसंद होता है। आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स आसानी से बाज़ार में मिल जाएंगे। और फिर थोड़ा सा सॉल्ट, हम इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे, क्योंकि टॉपिंग्स हमने सौते नहीं किए हैं, इसलिए हम थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और इस तरीके से हमारा पिज़्ज़ा सेट हो गया है बेक होने के लिए। देखिए इस तरीके से। अब हम एक तवा लेंगे, जिस पर हम इवनली बटर को स्प्रेड करेंगे इस तरीके से। देखिए पूरे में इवन स्टेप हो गया। अब हम इसमें पिज़्ज़ा को रख देंगे और एक लिड लेंगे जो कि बिल्कुल एयर टाइट हो, जिसमें कहीं से भी कोई भी एयर नहीं पास हो पा रही हो। देखिए इस तरीके से हम इसको कवर करके बिल्कुल लो, जिसको बोलते हैं सिम पर, हम इसको बेक करेंगे। देखिए पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। अब हम इसमें ऑरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे, जो कि टेस्ट के हिसाब से, मेरी बेटी को ज़्यादा पसंद है ऑरिगैनो, इसलिए मैं ज़्यादा स्प्रिंकल करूँगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।